नमस्कार, आज फिर से हम आपके लिए साइंस की क्लास लाए हैं। अब तक की वीडियो के अंदर हमने साइंस की क्लास के अंदर पढ़ा है कि कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है और शक्ति क्या है, कुछ बेसिक चीजें पढ़ी है। फिर मैंने जो कार्य से रिलेटेड कुछ टॉपिक था उसके अंदर मैंने कार्य क्या होता है, कार्य की डेफिनेशन और कार्य किस प्रकार किस किस स्थितियों में किस किस प्रकार होता है, और फिर बाद में मात्रक समझे है, और उसके बाद में वक्तव्य गति पढ़ी, एक न्यूमेरिकल भी पढ़ा था। फिर आगे चलते हैं, मैं आपके लिए एक और न्यूमेरिकल लाया हूं, देखिए क्या है। यदि सफर में जाते समय आप बारह केजी के एक थैले को धरती से उठाकर, कोई 12 केजी का कोई थैला है, कोई बैग है, उसको 1.5 मीटर की डिस्टेंस ऊपर उठाया है और उठा करके पीठ पर रख लिया है, तो 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किए गए मतलब बैग के ऊपर कार्य की गणना कीजिए, मतलब कितना कार्य होगा उस बैग के ऊपर, कितना कार्य होगा, कितना वर्क होगा, ये निकालना है। और हमको जी बराबर, जी का मतलब ग्रेविटी, वो हमको दे रखा है, जी का मान हमको प्रश्न के अंदर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए आगे किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर, पहले लिख लीजिए क्या क्या हमें दे रखा है प्रश्न में। एक हमको एम का मान दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है 12 केजी, 1.5 हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, और जी का मान दे रखा है हमें जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ये तीन चीजें दे रखी है और निकालना क्या है, कार्य वर्क निकालना है। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे, हम जानते हैं कार्य बराबर F इंटू डी होता है, ये आपको पता है। अब देखिए W बराबर F इंटू डी होता है, तो आपके पास F नहीं है, डी जरूर है। डी का मतलब जो हाइट है वो एक तरह से क्या दूरी पर, जो डी है वो आपकी क्या दूरी है, जो ऊंचाई दे रखी है, एक तरह से जहां से उठाया है और जहां तक उठाया है वो आपकी डी विस्थापन हो गया है। तो एच का मान ही आपका डी का मान है, लेकिन एफ नहीं है, तो एफ क्या होगा, देखिए एफ बराबर मैंने आपको बताया था कि एम ए होता है न्यूटन के दूसरे नियम अनुसार, एफ बराबर एम ए होता है न्यूटन का दूसरा नियम। और आपको मैंने डब्बे वाला बताया था ये वाला क्वेश्चन कि जब कोई बल ऊपर से लगाया जाता है एफ तो ग्रेविटी उसके उल्टा काम करती है mg के बराबर, तो f बराबर mg होता है, तो f की जगह मैंने mg या ma लिख सकता हूं, mg into d। w बराबर m का मान तुमको दे रखा है 12, g का मान तुमको दे रखा है 10 और d का मान तुमको दे रखा है 1.5। ये सारे मान रख दिए और हमारा कार्य आ जाएगा, देखिए तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो W बराबर हमारा तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 × 1.5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 जूल, क्योंकि कार्य का मान होता है जूल, तो हमारा कार्य आ जाएगा 180 जूल। स्टार्ट करते हैं, अब तक हमने आपको बताया कि कार्य क्या होता है, कार्य से रिलेटेड चीजें हमने सारी पढ़ चुके हैं कि कार्य में हमें क्या क्या पढ़ना था वो हमने सारा पढ़ लिया। अब आगे नया टॉपिक क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा से हम पूरा चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक के अंदर क्या है। और देखिए हमने ऊपर बोर्ड पर लिख रखा है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, किसी वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है उसके द्वारा कार्य किया जाएगा, अपन उसमें देखेंगे कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है कि वो वस्तु कार्य कर रही है, तो एक तरह से उसने अपनी ऊर्जा ग्रहण कर रखी है। अब वो धीरे 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 जब काम करना स्टार्ट करेगी वो वस्तु धीरे 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 ऊर्जा खत्म होने लग जाएगी और एक से जाएगी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो एक तरह से यह है जितनी स्टोर कर रखी है वो आपकी ऊर्जा है, बस वही चीज है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है वही आपकी ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है इतना, अब देखिए इसमें समझाता हूं मैं थोड़ा थोड़ा करके। गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, गतिमान वस्तु पड़ी हुई वस्तु में भी ऊर्जा स्टोर होती है, वो धीरे धीरे रिलीज अपने आप होती रहती है, लेकिन कोई गतिमान वस्तु है जो गति कर सकती है उसके अंदर आज एक पलंग है उसमें कोई एनर्जी नहीं होती, लेकिन अपने अंदर एनर्जी होती है क्योंकि अपन क्या करते हैं चीजों को ग्रहण करते हैं, ऊर्जा देते हैं। आज गाड़ी में भी ऊर्जा होती है, कैसे पेट्रोल और डीजल के द्वारा वो अपनी ऊर्जा ग्रहण करती है और धीरे धीरे जब वो गाड़ी
चलना स्टार्ट करती है, धीरे 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 वो पेट्रोल या डीजल खत्म होने लगता है और एक स्टोर पर आकर रुक जाती है, फिर से वापस उसके अंदर ऊर्जा डालनी पड़ती है, मतलब पेट्रोल डालना पड़ता है, फिर से वो स्टार्ट होती है। बस वही चीज है कि गतिमान वस्तु जो गतिमान होती है उसके अंदर ऊर्जा होती है, जब तक गतिमान वस्तु है उसके अंदर ऊर्जा रहेगी, जैसे ही ऊर्जा खत्म होगी वो गतिमान होना बंद हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना कि गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, कि कार्य उसमें होगा। फिर मैंने लिखा है जब हम किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं, आज ये मार्कर है, देखिए जब हम किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं, इसको मैंने एक फिक्स डिस्टेंस तक उठाया, तो जब ये पड़ा था इसके अंदर एनर्जी थी, फिर मैंने एक बल के द्वारा इसको उठाया तो इसके अंदर एनर्जी आ चुकी है क्योंकि अब ये गतिमान हो चुकी है, इसको मैंने गति करवाई है। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो जितनी मैंने ऊर्जा ग्रहण करवाई थी उतनी ग्रहण वापस इसने ऊर्जा रिलीज कर दी, छोड़ दी, तो आखिर में वापस विस्थापन अपना पूरा किया और ये जीरो हो गया, जहां पर थी वही आ गई, मतलब जितनी ऊर्जा ग्रहण करी है उतनी ऊर्जा इसने रिलीज कर दी है, तो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। देखिए बस वही लिखा है, जब हम किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तो उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है। तो मैंने इस मार्कर को, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, जैसे मैंने इसको उठाया इसमें कार्य करने की क्षमता होगी। देखिए मैंने इस ऊंचाई से इसको छोड़ा है, तो जैसे ही छोड़ा इसने कार्य किया और नीचे आ गया, मतलब निश्चित ऊंचाई तक उठाने पर उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है। आप किसी भी वस्तु को उठा लो, आप चाहो एक कुर्सी को उठा करके अपनी निश्चित ऊंचाई तक उठाओ और छोड़ दो वो नीचे गिर जाएगी, तो उसमें ऊर्जा ग्रहण हो जाती है, जैसे आप छोड़ दो ऊर्जा रिलीज हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बस वही चीज का हर एक वस्तु में जो गतिमान होती है उसमें ऊर्जा होती है, लेकिन बड़ी भी वस्तु के अंदर कभी ऊर्जा नहीं होती है। उदाहरण के लिए लिखे, आंधी बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है, पेड़ अपनी जगह स्थिर रहता है, उसमें कोई ऊर्जा ऊर्जा नहीं होती, लेकिन जैसे ही आंधी आई और पेड़ को उठा के उखाड़ के ले गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंधी के अंदर ऊर्जा थी क्योंकि वो गतिमान थी, जैसे ही वो गतिमान थी तो पेड़ स्थिर था उसको भी ले गई, तो उसको भी गतिमान कर दिया, तो गतिमान वस्तु किसी अन्य वस्तु को, स्थिर वस्तु को भी गतिमान कर सकती है, कार्य करवा सकती है। आज तुम खड़े हो, तुमको कोई धक्का दे तुम अपना गति करोगे, क्यों, क्योंकि वो गतिमान था, उससे जैसे फोर्स लगाया तुम गतिमान हो गए, तो उसके अंदर आपके अंदर एनर्जी थी। बस वो वाली चीज है कि गतिमान वस्तु के अंदर ऊर्जा रहती है। अब देखिए आगे लिखा है मैंने, कील पर हथौड़े से प्रहार करने पर, कील है उसका हथौड़े का मान, प्रहार करने पर कील अंदर की ओर धंस जाती है। अब आप दीवार में कील लगाते हो, हथौड़े से मारते हो, तो जितना हथौड़ा उठाते हो उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है, फिर आप वापस मारते हो तो जो ऊर्जा उसके अंदर थी वो कील में प्रवेश कर जाती है, कील अपनी जगह रहती है, वो गतिमान होती है और कील अंदर चली जाती है, उसमें भी गतिमान वस्तु के अंदर कार्य हो जाता है और ऊर्जा ग्रहण हो जाती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश करती है, कभी ऊर्जा खत्म नहीं होती है, हमेशा चेंज होती है एक रूप से दूसरे रूप में, बस ये बात ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा होती है वो केमिकल ऊर्जा में, या फिर क्या कहते हैं लाइट ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होती है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए फिर आगे जाते हैं, तेज हवा के कारण पवन चक्की चलती है, पवन चक्की की जो क्या कहते हैं पंखे होते हैं वो पंखे अपनी जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन जब हवा चलती है तो हवा क्या है गतिमान है, तो उसको भी चला देती है, तो पंखा चलने लगता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमको आगे कौन कौन सी ऊर्जाएं पढ़नी है। अब देखिए अब आगे मैंने डेफिनेशन तो आपको बताई रखी है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, लेकिन अब हम आगे कुछ और चीजें समझेंगे। लिख रखा है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, मतलब चेंज होती है, ऊर्जा कभी भी फिक्स नहीं रहती है, अगर वो काम कर रही है तो ऊर्जा के अंदर ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में अपना ग्रहण कर लेती है अपना रूप। अब देखिए कुछ लिखा हुआ मैंने बोर्ड पे, चाबी वाला खिलौना मैंने एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि आगे हमें ऊर्जा के प्रकार पढ़ने हैं, उसके अंदर अलग अलग ऊर्जा है, लाइट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, ये सारी है। तो उन सबको समझने से पहले हम ये छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, अगर छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आ जाता है तो जब आगे बढ़ गए वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए
चाबी वाला खिलौना क्यों लिखा हुआ है आपको पता होगा। चाबी वाला खिलौना आप बचपन में देखते होंगे कि चाबी वाला खिलौने के अंदर आप चाबी से उसके अंदर स्थिति ऊर्जा भर देते हो, वो बड़ा रहता है, आप देते हो और चाबी बढ़ना स्टार्ट करते हो और जैसे ही चाबी कंप्लीट हो जाती है तो उसमें स्थिति ऊर्जा आ जाती है, उसके स्थिति ऊर्जा का स्टोरेज हो जाता है। जैसे ही आप छोड़ते हो तो क्या होता है वो खिलौना कुछ दूरी तय करता है, तो एक तरह से क्या है उसके अंदर आपने स्थिति ऊर्जा ग्रहण कर ली और जैसे ही आपने चाबी छोड़ दी तो वो गति ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और कुछ देर बाद वो खिलौना रुक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपने ऊर्जा ग्रहण करवाई उस खिलौने को, उसने ऊर्जा गति ऊर्जा के रूप में उसमें चेंज किया और उसको खत्म कर दिया। तो ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। बस ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि चाबी वाले खिलौने के अंदर स्थिति ऊर्जा होती है वो जाकर गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है MGH, ये आगे हम पढ़ेंगे MGH क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल भी है आगे देखेंगे। और गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ये भी आगे इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। दे रखा है ऊर्जा एक अदिश राशि है, मैंने आपको सदिश और अदिश बताया था। अदिश राशि वो होती है जिसके अंदर केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, और सदिश वो राशि होती है जिसके अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा का मात्र जूल होता है, मैंने आपको ये भी बताया था, जब बेसिक चीज बताई थी कि ऊर्जा का मात्र जूल होता है और कार्य का मात्र भी जूल होता है। न्यूमेरिकल के आधार पर हम देखेंगे कि ये क्या दे रखा है, जूल है, जूल जो दे रखा है वो कार्य के लिए दे रखा है कि ऊर्जा के लिए दे रखा है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ऊर्जा के क्या क्या प्रकार है, देखिए आगे ऊर्जा के प्रकार पढ़ते हैं, ऊर्जा के प्रकार टाइप ऑफ एनर्जी हमको पढ़ना है। उसके अंदर मैंने 5 ऊर्जा आपको लिख रखी है बोर्ड के ऊपर, देखिए यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, टोटल 5 ऊर्जा है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देता हूँ। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आप सोच रहे होंगे कि मैकेनिकल एनर्जी मैंने कहां देखी है, मैं आपको बताता हूँ। आपके घरों में जो मोटर लगी हुई है पानी चढ़ाने की, जो पानी ऊपर जाता है उसको जो मोटर से कनेक्ट कर दिए, तो जो मोटर लगी रहती है वो आपके लिए यांत्रिक ऊर्जा का कार्य करती है। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा वह होती है जिसके अंदर स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों की है, वह आपकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब आप सोचोगे कि स्थिति और गति ऊर्जा कैसे है, तो देखिए मोटर अपनी जगह रहती है और उसमें गति भी होती है, मतलब उसमें स्थिति भी है और गतिमान भी साथ में, तो उसमें स्थिति ऊर्जा और गतिमान ऊर्जा दोनों इंक्लूड रहती है, तो जो ऊर्जा होती है वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो आप यांत्रिक ऊर्जा की डेफिनेशन करोगे, वह ऊर्जा जिसमें गति ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा दोनों विद्यमान रहती है यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब आगे देखिए ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा मैं आपको बताता हूँ हीट एनर्जी। मैं आपको बताता हूँ कि कोई आपके पास भगोनी है, कोई बर्तन है, उसके अंदर पानी डाला है, नीचे से हीट देना चालू किया, धीरे धीरे हीट देना चालू किया, आप देखते हो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो गति करना शुरू कर देते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है जो कण है वो आपस में गति करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे से एनर्जी आ जाती है, वही आपकी क्या है ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी। आगे देखा रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा आपके पास टॉर्च होती है, टॉर्च के अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर आपने देखा होगा सेल के अंदर ब्लैक ब्लैक होता है, कार्बन होता है, तो आपस में केमिकल है, तो उन केमिकलों के द्वारा आप क्या करते हो, जो सेल है वो आप किसमें डालते हो, आपकी बैटरी के अंदर, बैटरी ऑन हो जाती है और प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, आपने देखा होगा। तो जो सेल है वो एक तरह से क्या है, रासायनिक ऊर्जा का कार्य कर रहा है, वो रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, आपकी लाइट ऊर्जा के अंदर, प्रकाश ऊर्जा के अंदर। तो रासायनिक ऊर्जा भी रसायनों के द्वारा ऊर्जा ग्रहण होती है और हमको रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर देखिए विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आपने देखा होंगे विद्युत के द्वारा जो तार होते हैं, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आवेश होते हैं, वो आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ग्रहण करते हैं, आपस में टक्कर होती है जिसके कारण हमको ऊर्जा ग्रहण होती है। अब देखिए तार होता है, जब तक आप उस तार को प्लग में नहीं लगाते हो, जब तक तार को आप प्लग में नहीं लगाते हो तब तक जहां इलेक्ट्रॉन अपने तार में लगे हुए हैं वो वहीं रहते हैं। जैसे ही आपने उसके अंदर एसी करंट प्रवाहित किया, मतलब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की, क्योंकि हमारे घरों के अंदर प्रत्यावर्ती धारा जाती है, जैसे ही हमने एसी करंट प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करी तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू हो जाते हैं, टक्कर, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वापस में टक्कर होते हैं और टक्कर के द्वारा हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हमको लाइट के रूप में प्राप्त होता है। अब देखिए वही हमारी विद्युत ऊर्जा कहलाती है।
फिर हमारा गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा किस प्रकार, देखिए गुरुत्वीय ऊर्जा आज ये मार्कर है, मार्कर को मैं ऊपर उठाता हूं, मैंने एक हाइट पर उठाया और छोड़ दिया, छोड़ूंगा तो ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। क्यों? तो जो गुरुत्वीय ऊर्जा है, जो ग्रेविटी है, वो केंद्र की ओर खींचने की कोशिश करती है। तो केंद्र की ओर खींचने की कोशिश करती है तो उसमें ऊर्जा आ जाती है, तो वो हमारी ऊर्जा क्या कहते हैं, गुरुत्वीय ऊर्जा। मैंने एक्सप्लेन करके आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताया, सारी ऊर्जा को बताया कि ऊर्जा किस प्रकार होती है। इसके अंदर कल हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे आगे वाली क्लास के अंदर कि डेफिनेशन क्या है। आप उस प्रकार अपने नोट्स तैयार करते रहो, और नोट्स तैयार करोगे तो घर पे बैठ के आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 5 नंबर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। और ये मेरी गारंटी है, आप मेरी पर डे वीडियो देख रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमें साइंस किस प्रकार पढ़नी है। मैंने जब भी आपको साइंस पढ़ाई है तो उसको पढ़ाने से ज्यादा समझाया है, साइंस को समझा करके समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि साइंस को रटा नहीं जा सकता। जब तक आप साइंस को समझोगे नहीं, आपको साइंस हार्ड लगने लगेगी, और साइंस को समझोगे तो आप फिर बहुत इजी है। तो मैंने आपको ओनली फॉर नाम दे रखे बोर्ड से, लेकिन मैंने उस चीज को आपको अपनी डेली रूटीन के अंदर जो आप देखते हो उसको टच करके पढ़ाया है कि आपको अगर वो देखा होगा तो आपको समझ में आता है हर एक चीज कि हाँ हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो साइंस को समझ के पढ़ना है, और ये मेरी गारंटी है कि आप साइंस की क्लास मेरी पर डे देख रहे हो तो आप घर पे बैठ करके अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हो, और मैथ्स की क्लास भी कंटिन्यू रख सकते हो। आप हमारे चैनल को कंटिन्यू सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे तो चैनल आगे से आगे बढ़ेगा, आपका सपोर्ट होगा, और हम आपका कंटिन्यू पर डे सपोर्ट कर ही रहे हैं। घर पे बैठ के आप वीडियो देख ही रहे हो और स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आप घर पे बैठ के अपनी बोर्ड क्लास में पढ़ाई चालू रख रहे हो। आज स्कूलें नहीं खुली है, स्कूलों खुलने में थोड़ा टाइम है, और जिन बच्चों के बोर्ड की क्लासेस जो इस ईयर 10th में और उनके मैथ के पेपर्स होने हैं, मैथ के और एसएसटी के पेपर होने हैं, तो जो मैथ की क्लासेस हैं वो अपने मैथ की क्लासेस वहां पर देख सकते हैं, और कोई डाउट हो तो तब भी पूछ सकते हैं, और जो अब 10th में आए हैं वो भी अपनी क्लासेस कंटिन्यू देख सकते हैं। और 21 मई से हम आपके लिए 12th की क्लासेस चालू कर देंगे। 12th की क्लासेस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा, और उसको भी आप देखना किस प्रकार पढ़ेंगे, और अच्छे से अच्छा मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जितना ज्यादा हो सकता है मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको अच्छा लगेगा मुझसे पढ़ करके कि सर अच्छा समझा रहे, तो ये आपको प्रॉफिट है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करो, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कभी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।